यदि सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारे सौर मंडल में सूरज के महत्व से लगभग हर लोग परिचित हैं। उसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब हमें सूरज की उपयोगिता से मिल सकता है। सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसका पथ निश्चित होता है। परिक्रमा करने का प्रमुख कारण सूरज की तरफ से ग्रहों को अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति है, लेकिन गतिशील होने के कारण वह सूरज में गिरते नहीं है। अगर ग्रहों की गति को रोक दिया जाए तो वह सूरज की ओर खींच जाएंगे और उसमें गिर जाएंगे। इससे उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम हमारी धरती के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। कल्पना करें कि किसी अज्ञात कारण से हमारा सूरज अचानक गायब हो जाए तो सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जो कुछ भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वे अपनी आगे की गति को बनाए रखेंगे, लेकिन वे उसमें गिरने के बजाय अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ जाएंगे। जानिए क्या होगा असर। इससे कुछ ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से चिपक सकते हैं या फिर उनमें जोरदार टक्कर भी हो सकती है। संभावना यह भी है कि सभी ग्रह सौर अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में चलते हुए हमारे सौर मंडल से बाहर चले जाएंगे। हमारी धरती गर्मी को अच्छी तरह से बरकरार रखती है, इसलिए जीवन तुरंत खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, धरती से जीवों का अस्तित्व मिटने लगेगा। धरती पर अंधेरा छा जाएगा, पेड़ पौधे भी मृत हो जाएंगे, धरती पर ठंड तेजी से बढ़ेगा, सूर्य के विकिरण की कमी से जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी, कुछ ही दिनों में तापमान शून्य से 100 डिग्री नीचे चला जाएगा। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के अलावा किसी का भी जीना संभव नहीं होगा। ये जीव भी धरती की गर्मी से ही जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।